हेलो एवरीवन, आप में से जो को भी हेवी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में अपना करियर ग्रोथ करना चाहता है, उसके लिए आने वाली वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी कवर की जाएगी। ठीक है, आज हम देखेंगे इंस्पेक्शन स्टेजेस ऑफ प्रेशर वेसल। मीन्स इसमें अगर आप पहले से ही किसी प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये आपको थर्ड पार्टी को कैसे हैंडल करना है इसका सही तरीका बताएगी। और अगर आप ही किसी सप्लायर के पास एज ए थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हो, तो आपको भी काफ़ी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से स्टेजेस होते हैं इंस्पेक्शन के, एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना है फॉर द प्रेशर वेसल। ये है लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो हर इंस्पेक्टर को देखना ज़रूरी होता है एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसमें प्रेशर वेसल डेटा शीट, और ये वेपर ड्राइंग, स्ट्रेंथ कैलकुलेशंस, QAP और ITP, वेल्डर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, रॉ मटेरियल हिस्ट्री चार्ट जिसमें उसका मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट्स भी एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, वेल्ड प्लान और वेल्ड मैप, फिटअप रिपोर्ट्स और सेटअप रिपोर्ट भी बोलते हैं कई लोग इसको, NDT रिपोर्ट्स, जो कुछ भी NDT इसको एप्लीकेबल है उसका NDT का रिपोर्ट, जैसे RTPT, MT, UTPT जो कुछ भी है उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज ए रिपोर्ट होना जरूरी होता है। NDE पर्सनल क्वालिफिकेशन, मतलब अगर अभी ASME ने दिया है कम से कम लेवल 2 पर्सनल क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है NDT करने के लिए। ओके, तो अगर PWST है, हीट ट्रीटमेंट है, हाइड्रो टेस्टिंग, ब्लास्टिंग, पेंटिंग, इसका जो भी आपको टेस्टिंग करना है वो हर एक का डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं उस हर एक का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स विद ड्यू डेट मेंशन होना चाहिए क्वालिटी डोजियर में। ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलकर एक क्वालिटी डोजियर बनता है। हम अभी एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्स देखेंगे कि उस डॉक्यूमेंट्स में कौन से पैरामीटर्स देखना इम्पोर्टेंट होता है। ये दिए गए हर डॉक्यूमेंट्स का अपना एक मीनिंग होता है, इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स को मिस नहीं करना है। ओके, प्रेशर वेसल डेटा शीट, इट कंटेन्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर वेसल। Characteristics in the sense of operating pressure, operating temperature and those and other parameters related to its operation. अभी अगर हम कोई मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो उसमें हम नॉर्मली क्या देखते हैं, उसका रैम, रोम, कैमरा, ऑपरेटिंग सिस्टम, साइज एट्सेट्रा। ये जो पैरामीटर्स होते हैं मोबाइल के, उसी को हम बोलते हैं कि ये मोबाइल का डेटा शीट है। तो वैसे ही प्रेशर वेसल का भी एक डेटा शीट होता है जो फाइनलाइजेशन होता है जब ऑर्डर दिया जाता है किसी सप्लायर को या वेंडर को, तभी जो मैन्युफैक्चरर के साथ एक MOM होता है उसी में ये सब चीज़ें मेंशन किया जाता है कि उसमें कौन सा टेम्परेचर को ऑपरेट होने वाला है, कौन से प्रेशर को ऑपरेट होने वाला है। इसी को हम बोलते हैं कि प्रेशर वेसल का डेटा शीट। तो हमें बस ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये अप्रूव्ड है कि नहीं, जो क्लाइंट है उसी से ये चेक करना होता है। अप्रूव्ड ड्राइंग्स, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रेशर वेसल। किसी भी इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन स्टार्ट करने से पहले उस असेंबली और पार्ट का ड्राइंग अप्रूव्ड है कि नहीं वो चेक कर लेना चाहिए। अगर ड्राइंग का अप्रूवल नहीं तो सप्लायर को बोलकर क्लाइंट से पहले परमिशन लेकर ही इंस्पेक्शन स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो पता चला कि इंस्पेक्शन तो कर दिया बंदे ने पर ड्राइंग ही अप्रूव नहीं है, तो इस टाइप के इंस्पेक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जो अप्रूव ड्राइंग होता है उसमें डिज़ाइन प्रेशर, हाइड्रो टेस्ट पैरामीटर्स एंड अदर टेस्टिंग पैरामीटर्स इंक्लूड्स होना ज़रूरी है ताकि इंस्पेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। जो ओवरऑल GA ड्राइंग होता है उसके ऊपर पूरा जो असेंबली का सेटअप होता है, प्रेशर वेसल, उसमें स्कीड होगा, पंप स्कीड होगा,
वॉट एवर, तो वो सब इंक्लूड होता है, उसका ओवरऑल डायमेंशंस इंक्लूड होता है, तो उसी हिसाब से इंस्पेक्शन करना चाहिए। स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, इट इज़ द प्री अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट विच इज़ अप्रूव्ड बाय क्लाइंट एंड सप्लायर डिज़ाइन टीम। इस डॉक्यूमेंट में प्रेशर वेसल में जो डेवलप होने वाले स्ट्रेसेस हैं उसकी वजह से मटेरियल में आने वाले चेंजेस के बारे में सब इंफॉर्मेशन होता है। इसमें एज पर गिवन स्ट्रेसेस, प्रेशर वेसल, शेल थिकनेस, डिशेन का टाइप, आईडी ऑफ द शेल एंड लेंथ ऑफ द प्रेशर वेसल, ये सब पैरामीटर के कैलकुलेशंस होते हैं। हमें बस इस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लेना है ओनली फॉर द कंफर्मेशन ऑफ दैट मैन्युफैक्चरर हैज स्टोर्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन हिज क्वालिटी डोजियर। QAP इज़ द क्वालिटी एश्योरेंस प्लान और अल्सो नोन बाय द पॉपुलर वर्ल्ड ITP, दैट इज इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। QAP इज बींग फाइनलाइज आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स ऑफ द प्रेशर वेसल। QAP में जो स्टेजेस होते हैं उसमें इंक्लूड होता है मटेरियल समरी चार्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट फॉर हायर थिकनेस प्लेट्स, अगर प्रेशर वेसल में कहीं पर भी हायर थिकनेस प्लेट दैट इज अबव द 20 mm थिकनेस अगर यूज़ हो रहा है तो उसको अल्ट्रासोनिक टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद मटेरियल मार्किंग एंड स्टैम्प ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड होता है, वेल्ड कंज्यूमेबल का टेस्ट सर्टिफिकेट, वेल्ड प्लान, NDT प्लान, फिटअप और सेटअप, रूटर एंड डाई चेक, फाइनल वेल्डिंग, विजुअल चेक, ये सब जो पैरामीटर्स है वो सब स्टेप बाय स्टेप QAP में इंक्लूड होते हैं। इंस्पेक्टर मस्ट फॉलो द QAP एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। QAP पर क्लाइंट का अप्रूवल होना मस्ट है, वो सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि QAP अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर QAP में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया है तो हर स्टेज पर मैन्युफैक्चरर क्वालिटी इंजीनियर ने उस वो स्टेज पर होल्ड करके थर्ड पार्टी को अरेंज करना चाहिए फॉर द इंस्पेक्शन पर्पस, एंड थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन होने के बाद ही वो स्टेज क्लियर करके मैन्युफैक्चरर को फर्दर प्रोसेस के लिए क्लियरेंस देना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है WPS, PQR एंड WPQ, दैट इज़ द वेल्डर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। अभी इन डॉक्यूमेंट्स में हमें ये देखना है कि हमारे जॉब के लिए जो वेल्डिंग पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है वो सब WPS में कवर किए गए हैं या नहीं। तो उन वेल्डिंग पैरामीटर्स में आते हैं शेल एंड डिशेन, दैट इज़ बेस मेटल मटेरियल, उसका थिकनेस, फिलर मेटल मटेरियल, उसका साइज़, उसका AWS कोड, वेल्डिंग रॉड स्पेसिफिकेशंस, ग्रू डिज़ाइन, PWHT, वेल्डर ID, एट्सेट्रा। अदर वेल्ड कूपन टेस्ट रिजल्ट आर मेंशन ऑन PQR एंड WPQ। जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वेल्डर क्वालिफिकेशन के, दैट इज़ PQR एंड WPQ अपार्ट फ्रॉम द WPS। तो PQR एंड WPQ में होता क्या है, जो वेल्ड कूपन वेल्डर टेस्ट करता है उसका सब टेस्ट रिजल्ट्स उसमें मेंशन किया गया होता है। तो इंस्पेक्टर ने WPQ के ऊपर दिए गए वेल्डर ID को शॉप में जाकर एक्चुअली चेक करना ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर पैसे बचाने के चक्कर में पुराने WPQ एंड PQR पर ही नए वेल्डर को काम करने के लिए बोलता है, तो ये हमें कंफर्म कर लेना है पहले। अभी यहाँ पर QAP के कुछ स्टेजेस दिए गए हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हिस्ट्री चार्ट हो गया, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट्स हो गए, वेल्ड प्लान और वेल्ड मैप हो गया, फिटअप रिपोर्ट्स और सेटअप रिपोर्ट्स जैसे, और NDT रिपोर्ट्स। अभी इसमें से QAP के सारे स्टेजेस इसमें कवर किए गए या नहीं है, तो अब जब हम QAP का अलग से वीडियो बनाएंगे
उसमें सब पैरामीटर्स कवर करेंगे, QAP के कौन से स्टेजेस होते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंटेशंस होता है, उसमें कौन सा टेस्टिंग्स होते हैं, प्रोसीजर्स कौन से होते हैं, वो सब हम QAP के अलग वीडियो में सब कवर कर देंगे। अभी सिर्फ आपको ये जानकारी होना चाहिए कि QAP के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। नॉर्मली आपको 3-4 स्टेजेस दिए मैंने, तो ये स्टेजेस होते हैं QAP के। इन QAP वेयर एवर क्लाइंट इज़ डिमांडेड फॉर द इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर एनी स्टेज, द सप्लायर और मैन्युफैक्चरर हैज़ टू बी गिवन द दोज रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेजेस इन फ्रंट ऑफ द इंस्पेक्टर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है NDE, पर्सनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। देखो, एज पर QAP जिस जिस स्टेज में NDE कॉल किया गया है, जैसे PT, उसी को हम डाई पेनेट्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं। अनदर है MT, RT, UT एंड VT। कम मिनिमम लेवल 2 सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है, जो मैन्युफैक्चरर क्वालिटी इंजीनियर है उसका NDE में ASNT NDT लेवल 2 होना ज़रूरी है। और सेम जो इंस्पेक्टर हैं, जो इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है, अगर उसमें NDT का स्टेज इन्वॉल्व होगा तो उसका भी सेम मिनिमम उतना सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है फॉर द रिव्यू ऑफ और विटनेस ऑफ द NDT स्टेजेस एंड द डॉक्यूमेंटेशंस। इंस्पेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इंजीनियर का NDT सर्टिफिकेट देखना ज़रूरी होता है, वो वैलिड है या नहीं है। अगर उस सर्टिफिकेशन का वैलिडिटी ड्यू हुआ रहेगा तो वो इंजीनियर NDT रिपोर्ट्स पर साइन नहीं कर सकता, उसको अपना सर्टिफिकेट वैलिडेट करना ज़रूरी होता है NDT लेवल 3 पर्सनल क्वालिफिकेशन होल्डर से। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स। अभी हमारे QAP में जितना जितना टेस्टिंग्स और प्रोसेस दिया है, वो हर प्रोसेस के लिए एक प्रोसीजर्स होता है मैन्युफैक्चरर के पास। तो अभी NDE होगा तो NDE का प्रोसीजर रिक्वायर होता है, न्यूमेटिक टेस्ट होगा तो उसका भी प्रोसीजर्स रिक्वायर होता है, हाइड्रो टेस्ट, PMI प्रोसीजर, हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर। ये प्रोसीजर ये डिफाइन करती है कि आपका प्रोसेस कैसा काम करता है, तो वो प्रोसीजर देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रोसेस अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो प्रोसीजर्स में बहुत सारी चीज़ें मेंशंस होती हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन किया गया होता है। प्रोसीजर में फॉर्मेट्स भी होते हैं जो कि फाइनली डिफाइन होते हैं कि ये प्रोसीजर ऐसी होने के बाद उसका ये फॉर्मेट बनेगा। अभी देखो, जैसे NDE का एक प्रोसीजर है, ये अगर NDE का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उसका एक प्रॉपरली फॉर्मेट बनेगा जिसमें सब टेस्ट रिजल्ट डॉक्यूमेंटेड किए जाएंगे, जिधर जिधर सिग्नेचर रिक्वायर्ड है वहाँ पर सिग्नेचर लिए जाएंगे। ओके, तो ये सब प्रोसीजर्स देखना ज़रूरी होता है इंस्पेक्टर के लिए। लास्ट टॉपिक है हमारा कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स आते हैं, और जो ये दो छोड़कर इनका जो सर्टिफिकेट्स होता है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स, वो इंस्पेक्टर ने रिव्यू करना ज़रूरी होता है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट के ऊपर जो ID नंबर दिया है, वो ID नंबर का स्टिकर इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट पर चिपका हुआ है कि नहीं, वो देखना चाहिए। जो स्टिकर्स होता है उसमें कैलिब्रेशन ड्यू डेट, कैलिब्रेशन डेट, उसके बाद ID नंबर और सिग्नेचर, कौन से पार्टी ने उसका टेस्टिंग किया है, कैलिब्रेशन किया है, वो सब मेंशन होता है स्टिकर के ऊपर। तो ये स्टिकर भी एक्चुअल में जाकर देखना ज़रूरी होता है, जो कि वेल्डिंग मशीन पर होता है और इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स पर के ऊपर भी होता है। उसके बाद आता है मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैलिब्रेशन इज द कैलिब्रेशन हिस्ट्री कार्ड। कैलिब्रेशन हिस्ट्री कार्ड में इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि इससे पहले कोई इंस्ट्रूमेंट कितना बार कैलिब्रेटेड हुआ है, उसमें क्या क्या एरर आया है, उसका ID नंबर क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट हिस्ट्री कार्ड में और कैलिब्रेशन हिस्ट्री कार्ड में मेंशन होता है। तो हमें ये देखना ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर पिछले साल
मैन्युफैक्चरर ने वही इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट किया है और एरर समझो कुछ तो आया है एक्स वाई जेड, तो एरर हर साल थोड़ा थोड़ा क्वाइटली बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। अगर हिस्ट्री कार्ड में एरर कम होता दिख रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है और उसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है। अगेन आता है डेट्स ऑफ कैलिब्रेशन, ड्यू डेट्स ऑफ कैलिब्रेशन देखना मस्ट होता है, जो कि रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है इंस्पेक्टर के। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस लिमिट। अभी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स में एरर्स दिए होते हैं और उसका एक्सेप्टेंस भी दिया होता है। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द इंस्ट्रूमेंट और द इक्विपमेंट इज कैलिब्रेटेड एंड द एक्सेप्टेड, बस ये इंफॉर्मेशन बेसिक नीड होता है कैलिब्रेशन चेक करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।